एशियाड्स में रजत पदक जीतना और अपने नाम को सार्थक करना कैसा लग रहा है? एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एशियन गेम्स में फिर से मैंने मेडल टेली में अपना नाम जोड़ के रखा। रजत को रजत मिला तो उसके बाद सबने कहा कि थोड़ा सा चूक गए, उस दिन हमारा दिन नहीं था इसलिए हम जीत नहीं पाए। खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ से बात होती है तो वो टारगेट लगा के चले होंगे कि 2028 का जो ओलंपिक होगा उसमें भारत धूम मचा देगा। राठौड़ साहब जो डिसीजन दे रहे हैं, जो जो चीज़ वो हमारे लिए कर रहे हैं, उनसे हमें काफ़ी फायदा हो रहा है। क्या देश में खेलों को लेकर माहौल बदला है, क्या बदल रहा है, क्या मेडल पे मेडल बढ़ रहे हैं अपने, घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। आर्चरी चुनकर इस लेवल पे कैसे पहुंचे? हर बार नया लक्ष्य चुनता गया और उस तक पहुंचने के लिए मेहनत जारी रखी मैंने। क्या सिलेक्शन राजनीति होती है क्या? हाँ ऐसा बिल्कुल है। क्या कारण है कि राजस्थान की सरकारें सोचती है? अभी तक मैं बेरोजगार हूँ तो इससे खराब बात क्या होगी राजस्थान? क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत जो है खेलों में कोई महाशक्ति बन पाएगा? मैं खुद मेरी लाइफ को लेकर सिक्योर नहीं हूँ।